Many local celebrities are encouraging people to vote in the upcoming elections. Hasan Rahim took to the platform, X, to convince his followers to vote, adding that he pays his taxes and will raise his voice. Asim Azhar called upon his fellow celebrities to tell the public to vote, stressing that their children's future is at stake. Usman Khalid Butt told his followers to register themselves and make their voice count. Tabish Hashmi took to Instagram to explain the importance of voting to reduce chances of rigging. खवातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। भाई सुनने में आया है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार हम वोट नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा वोट का फायदा ही क्या है, तो उसको जिसको जीतना है वो तो जीत ही जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई मैनिपुलेट कर लेगा, कर ले भले कर ले, लेकिन अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो उसका काम तो और आसान हो गया, उसको तो आप कुछ करना ही नहीं, वो यूं बैठा रहेगा यार अब तो कुछ करना ही नहीं है, चलो आओ सिगरेट पी के आते हैं। उसको तो मेहनत कराओ जिसने मैनिपुलेट करना है, डालो वोट जाके, इतने लोग वोट डाल दो कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़े आपके वोट से खेलने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप वोट नहीं डालते हो तो भैया आपकी शिकायत भी नहीं बनती, आप ये भी नहीं कह सकते कि यार ये मुल्क का क्या हो रहा है क्योंकि आपने तो वोट डाली नहीं, आपको क्या, आप जो बैठे रहो, तो शिकायत करने के लिए है, गम में बैठने के लिए जरूरी है कि आप ये वोट डालें। दूसरा, ये 12 करोड़ तकरीबन वोटर होगा इस बार, इस साल इंशाल्लाह 12 करोड़ लोग अगर वोट डालने निकल आए बच्चू, तो जो आपको लगता है कि जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको भी एहसास होगा ये जिंदा लाशें नहीं है, इंसान रहते हैं इस मुल्क में भी, उनको भी समझ आ रही है, तो बाहर तो निकलो, घर पे बैठे थे तो उनको लगेगा हाँ यार इनके साथ ठीक ही हो रहा है, तो बाहर निकलिए। 8300 पे आपने SMS करना है ताकि आपको पता चले आपका हल्का क्या है, क्या है क्या नहीं, जिसको वोट डालना है अपनी मर्जी से डालिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, गो एंड वोट फॉर योर सेल्फ, फॉर पाकिस्तान। और अब आप बहुत सारे लोग पूछोगे ताजुबे आप तो खुद अमरीका में बैठे हुए हैं आपको क्या, मैं वोट के दिन से पहले इंशाल्लाह पाकिस्तान में होऊंगा क्योंकि मैं नहीं अपना वोट जाने देने वाला बेटा। मुनीब बट ऑल्सो पोस्टेड अ वीडियो मैसेज ऑन द इलेक्शंस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी मुनीब बर्ड, और इस तरह की वीडियो मैं बनाता नहीं हूं, लेकिन आज मैंने सोचा कि चले एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं लोगों को। एज यू ऑल नो 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और जिससे भी मैं यूजुअली अभी बात कर रहा हूं तो काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो इलेक्शंस में जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन हम तो आराम करते हैं और हम वोट नहीं डालते, मल्टीपल रीजंस हैं, किसी का कोई रीजन है, कोई कहता है कि जी हमारा वोट बदल जाता है, और कोई मतलब डिफरेंट रीजंस हैं हर बंदे के। इलेक्शंस जो होते हैं वो किसी भी मुल्क के लिए बहुत जरूरी होते हैं, उस मुल्क की अवाम के लिए, जिसको हम वोट डालेंगे उसने पावर में आना है, हमारा मुल्क चलाना है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को घर से जरूर निकलना है वोट देने के लिए। पॉजिटिव सोचें, छोड़ने वाली बात कि वोट चेंज हो जाएगा, धांधली होगी, जिसको हम पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान वोट देना चाहता है वो पावर में नहीं आएगा, ये सारी बातें भी हैं कुछ हद तक हैं, लेकिन ये कि आप पॉजिटिव अप्रोच रखें अपनी चीजों को लेके और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी करें, बाकी बाद में जो हुआ वो फिर हमारा नसीब है, लेकिन ये कि आप अपना पार्ट जो है वो तो प्ले करें। सो प्लीज 8 फरवरी वाले दिन आपकी पार्टी को वोट डालना चाहें आ जाएं, उसको जरूर वोट डालें। थैंक यू सो मच।